हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अंशी क्रिएशन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना वीकेंड। इस वीकेंड में गई थी किंगडम ऑफ ड्रीम्स जो है गुड़गांव में, तो आज इसी से रिलेटेड मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करने वाली हूँ। मेरी वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए, तभी आपको इंटरेस्ट आएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी ये वीडियो। सबसे पहले मैं आपको किंगडम ऑफ ड्रीम्स के मेन पॉइंट्स बताऊंगी। यहाँ पे सबसे पहले मैं एक एक चीज करके आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आपके साथ ये डिस्कस करूंगी किंगडम ऑफ ड्रीम्स की लोकेशन क्या है, क्या एड्रेस है, कॉन्टेक्ट नंबर क्या है और इसकी वेबसाइट क्या है। अभी मैंने आपके साथ एक स्लाइड शेयर करी है और उसमें मैंने तीनों चीज मेंशन की है। तो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, तो आप डायरेक्टली उसकी वेबसाइट पे या वहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास है तो आप कॉन्टेक्ट करके पूछ लीजिए। तो अब हम बात कर लेते हैं किंगडम ऑफ ड्रीम्स है क्या, वहाँ पे ऐसी क्या चीजें हैं जो आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेंगी। तो चलिए, एक बहुत ही खूबसूरत एक टूरिस्ट प्लेस है ये। मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि एक बिल्कुल मैजिकल एक्सपीरियंस वाला प्लेस है। यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा जाके। इवनिंग टाइम पे ये बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, बिल्कुल यहाँ पे गोल्डन लाइट्स होती है। तो किंगडम ऑफ ड्रीम्स जो है वो पड़ता है गुड़गांव सेक्टर 29 में। आप वहाँ पे इजिली पहुंच सकते हैं। अगर आप मेट्रो से हैं तो वहाँ पे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है इफको चौक, और अगर आप अपने व्हीकल से हैं तो आप गूगल मैप से बहुत इजिली वहाँ पे पहुंच जाएंगे। और आपके साथ मैं यहाँ पे एक चीज शेयर करूंगी, जो किंगडम ऑफ ड्रीम्स है वो ओपन हुआ था 18 सितंबर 2010 में, और इसके ग्लोबल एम्बेसडर हैं बॉलीवुड के सुपरस्टार मिस्टर शाहरुख खान। तो ये बहुत ही सुंदर प्लेस है और यहाँ पे पार्किंग की भी कोई इशू नहीं है। यहाँ की पार्किंग में बहुत ज्यादा स्पेस है। एंड एक चीज और मेन यहाँ पे है वो ये है कि इसकी पार्किंग जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको पे नहीं करना है यहाँ पे। तो ये बात हुई किंगडम ऑफ ड्रीम्स की। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ इसके ओपनिंग टाइम्स के बारे में। और अब जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, किंगडम ऑफ ड्रीम्स में तीन ऑडिटोरियम्स हैं। फर्स्ट है कल्चर गली, सेकंड है नौटंकी ड्रामा या महल, एंड थर्ड है शोशा थिएटर। तो अब हम एक एक करके इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगी कल्चर गली। कल्चर गली एक बहुत ही सुंदर एक आपके लिए प्लेस है, एरिया है, जहाँ पे आप बहुत ज्यादा फन कर सकते हैं। और अगर आप खाने के शौकीन हैं तो ये तो आपके लिए बिल्कुल बेस्ट प्लेस है। इसका जो एम्बियंस है वो बहुत ही कलरफुल है, और कल्चर गली में आपको 14 स्टेट्स के रेस्टोरेंट मिलेंगे, वहाँ का फूड मिलेगा और वैसा ही इसका इंटीरियर मिलेगा। तो जो कल्चर ऑफ गली है यहाँ पे आपको, जैसे मैंने आपके साथ 14 स्टेट्स में थोड़ा आपके साथ मैं एक्सप्लेन करूँगी, जैसे यहाँ पे आपको मिलेगा पंजाब, गोवा, कर्नाटका, मुंबई, लखनऊ और केरला। इसी तरीके से आपको यहाँ पे 14 स्टेट्स मिलेंगे। और इसी से रिलेटेड यहाँ पे अगर आप शॉपिंग करना चाहें तो आप शॉपिंग कर सकते हैं, और अगर आप खाना चाहें तो खा सकते हैं। कल्चर गरी में यहाँ पे ट्रेडिशनल डांस परफॉर्मेंस होती है, जैसे दुर्गा माता जी की यहाँ पे परफॉर्मेंस होती है, पंजाबी भांगड़ा होता है। तो यहाँ पे हर एक दो घंटे में ये परफॉर्मेंस होती है। अगर आप देखना चाहें तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, बट यहाँ पे ये चलता रहता है ये परफॉर्मेंस। बहुत ही अच्छा लगता है और जितने भी वहाँ पे लोग होते हैं वो बहुत
बहुत ही इस चीज को एंजॉय करते हैं। जब मैं वहाँ पहुंची थी तो मैंने देखी थी वहाँ पे माँ दुर्गा की परफॉर्मेंस, जो मैं आपको एक फोटो में दिखा रही हूँ। अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पंजाबी ढाबा। मैंने पंजाबी ढाबा में ही अपना खाना खाया था, तो मैं आपको दिखाऊंगी पंजाबी ढाबा का इंटीरियर कैसा था और क्या मैंने खाया था, ये चीज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। कल्चर गली में हमको एंटर करने के लिए बाहर किंगडम और ग्रीन के साइड में ही एक टिकट काउंटर है, वहां से हमें 600 रुपीस का टिकट लेना होता है और तभी हम लोग कल्चर गली में एंटर कर सकते हैं। तो और जो ये टिकट है ये पर पर्सन है 600 रुपीस। और कल्चर गली में जितने भी यहाँ पे स्टेट्स का फूड मिलता है या आपको क्राफ्ट आर्ट शॉपिंग अगर आपको करनी है तो आप इसी 600 से यहाँ पे शॉपिंग भी कर सकते हैं और खाना भी खा सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई भी चीज एक्स्ट्रा पे नहीं करनी है, सिर्फ आपको जो आपको कूपन मिला है वो भी आपको दिखाना है, तभी आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपका जो बैलेंस है, आपने जो टिकट खरीदा है वो अगर खत्म हो जाता है तो वहाँ पे आप रिडीम करा सकते हैं, या फिर जब भी आपको कोई चीज परचेस करनी है, या तो वो खाने का सामान है या फिर शॉपिंग में आप कोई चीज क्राफ्ट या आर्ट या कोई कपड़ा ले रहे हैं, तो आपको वहाँ पे कैश नहीं देना है, वहाँ पे आपको कार्ड अपना स्वाइप कराना है। तो ये चीज थी कल्चर गली के बारे में। और एक चीज और मैं आपके साथ शेयर करूंगी, यहाँ पे अगर आपका बच्चा की हाइट है 4 feet से अगर कम है तो यहाँ पे आपके बच्चे का कोई भी यहाँ पे कोई भी टिकट नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री है। तो आप इस चीज का यहाँ पे ध्यान रखिए। अब हम बात करेंगे सेकंड ऑडिटोरियम की, जिसका नाम है नौटंकी महल। नौटंकी महल में जब आप एंटर करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगी यहाँ पे फोन और कैमरा अलाउड नहीं है, आप अंदर जाके वो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं। नौटंकी महल में 3 शो होते हैं और इन सबकी टाइमिंग्स अलग है और शो कैटेगरी भी अलग है। आपको ये शो देखने के लिए बाहर ही टिकट काउंटर से यहाँ पे आपको टिकट लेना है पर पर्सन। और यहाँ पे अगर आपका बच्चा जो है वो 4 feet से कम है उसकी हाइट, तो उसका कॉस्ट नहीं लगेगा। तो इसके टिकट्स की अलग अलग रेंज है, जैसे यहाँ पे शो कैटेगरी है, इकोनॉमी है, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम एंड डायमंड। तो यहाँ पे जो वीकेंड है उसके यहाँ पे प्राइस अलग है और वीक डे के प्राइस अलग है। जब आप जाएं तो वहाँ पे एक बार चेक कर लीजिए। मैंने यहाँ पे जो देखा था वो सिल्वर कैटेगरी का देखा था और वो मैं वीकेंड के दिन गई थी, तो मेरा जो टिकट था वो 2000 पर पर्सन था। वीकेंड के दिन यहाँ पे जो प्राइस है वो हाई होता है और डेज के अकॉर्डिंग। तो जो नौटंकी महल है यहाँ पे 3 तरह के आपको शो दिखाए जाते हैं, झुमरो, झिंझोरा एंड अभी नया स्टार्ट हुआ है एक शो बल्ले बल्ले। झुमरो में आपको कुछ कुमार जी के गाने दिखाए जाते हैं, बट ये है कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है और आपको इस शो के इंटरवल में आपको चाय वगैरह, स्नैक्स वगैरह यहाँ पे आपको दिए जाते हैं। तो जब अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो इस चीज को मिस मत करिए, इस शो को आप जरूर देखिए। अब हम बात करेंगे थर्ड ऑडिटोरियम की, जिसका नाम है शोशा थिएटर। शोशा थिएटर में आपके स्टोरीज चलती हैं, तो यहाँ पे जैसे चलता है राम लीला स्टोरीज एंड कृष्ण लीला स्टोरीज, यहाँ पे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। इसके टिकट्स भी आपको बाहर टिकट काउंटर से लेने होते हैं, कैमरा फोन यहाँ पे भी अलाउड नहीं है। अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फुल वीडियो। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मैंने अपना वीकेंड कैसे एंजॉय करा है। और मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताऊंगी कि मैंने अपनी जो जर्नी है वो अपने हस्बैंड के साथ पूरी करी थी और मैंने अपनी जर्नी को स्टार्ट करा था गाजियाबाद से। गाजियाबाद से किंगडम ऑफ ड्रीम्स की जो डिस्टेंस है वो है 58 किलोमीटर और इसमें टाइम लग गया था मुझे 1 hour 27 minutes। तो यहाँ पे इजिली आप जा सकते हैं जैसा मैंने आपको पहले भी बता दिया था। तो चलिए आप एक बार मेरी वीडियो को देख लीजिए और
अगर आप एक बार भी यहाँ पे नहीं गए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप एक बार वहाँ पे जरूर जाइए। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बड़ों के साथ साथ बच्चे भी वहाँ पे बहुत इंजॉय कर सकते हैं। और जो लोग खाने के शौकीन है मैं बता चुकी हूँ, उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा प्लेस है। सो प्लीज आप इसको मिस मत करिए, आप इसको इंजॉय करिए। ये है पार्किंग और इसी के जस्ट सामने है किंगडम ऑफ ड्रीम्स का बैक साइड। और जितना भी आप ये देख रहे हैं ये है यहाँ की पार्किंग का स्पेस। हमने एंटर कर लिया है किंगडम ऑफ ड्रीम्स में। ये है टिकट काउंटर, यहीं से आपको टिकट्स कलेक्ट करने हैं। ये है प्राइस लिस्ट और यहाँ पे शोज की सिटिंग कैटेगरीज लिखी हुई है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये है किंगडम ऑफ ड्रीम्स का मेन गेट, यहीं से हमने एंटर करा है किंगडम ऑफ ड्रीम्स में। और इसी में है यहाँ पे तीन ऑडिटोरियम। सबसे पहले है कल्चर गली। कल्चर गली का जो मेन गेट है वो लोटस की पेटल्स की तरह बना हुआ है। इसी के जस्ट साइड में है नौटंकी महल, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और उसी के जस्ट साइड में है यहाँ पे शोशा थिएटर, यहाँ पे दोनों में शो चलते हैं। ये है कल्चर गली का अंदर से एम्बियंस और ये बहुत ही कलरफुल है, लाइटिंग्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। और यही है जहाँ पे आपको 14 स्टेट्स का कल्चर मिलेगा और यहाँ पे डांस परफॉर्मेंस मिलेगी एंड फूड मिलेगा। यहाँ पे अभी हो रहा है भांगड़ा और सभी लोग उसी को एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे सब अलग अलग स्टेट्स के ये जो है आर्ट बनी हुई है यहाँ पे। ये है केरला और ये केरला का रेस्टोरेंट है। यहाँ पे इसकी जो थीम है वो हाउस बोट है और यहाँ पे खाने को भी केरला का ही मिलेगा आपको। और इसी के जस्ट साइड में है चेन्नई। ये है आर्ट एंड क्राफ्ट गैलरी, यहाँ से आप कोई भी चीज परचेस कर सकते हैं जो आपने 600 रुपीज का कूपन लिया था उसी से। अभी टाइम हुआ है 6:55 और किंगडम ऑफ ड्रीम्स यहाँ पे इवनिंग टाइम में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। यहाँ पे चारों तरफ लगी हैं गोल्डन लाइट्स और ग्रीनरी भी है, फाउंटेन्स भी यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे सभी लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं, कुछ लोग सेल्फी भी ले रहे हैं। मेरा शो स्टार्ट होने वाला है 7 PM से और मैं बस अपने म्यूजिकल शो के लिए जाने वाली हूँ और आपको बस एक व्यू दिखा रही हूँ यहाँ का। आपको
मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और मेरी वीडियो को लाइक भी करिए। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।